संकल्प लेकर जाना है। आप वृंदावन से, आप वृंदावन से प्रसाद लेकर जाएंगे। अभी तो उत्सव चलेगा, प्रिया प्रीतम के अष्टयाम में आप सम्मिलित हैं, आपको जो जाएंगे या जो यहाँ रहेंगे, लेकिन सबका एक कर्तव्य है और ये उपकार नहीं है किसी पर भाई, ये आपका मेरा कर्तव्य है। इस समय इस सारी वृष्टि को, समूचे विश्व को, आपके मेरे हम सब के सद्भाव की आवश्यकता है। जो जाएगा जो रहेगा, पर एक संकल्प लेकर जाएगा कि कुछ क्षणों के लिए, कुछ घड़ियों के लिए हरि नाम जपेगा, श्री जी के नाम का कीर्तन जप उच्चारण करेगा, अपने हृदय में ये भाव रखकर कि नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। विश्व पर जो संकट आया है, आपके मेरे सद्भाव से, शुभ संकल्प से, श्री जी की कृपा से, भगवत इच्छा से उसका निवारण हो। जो पीड़ा में है उसको इस नाम जप के प्रसाद और प्रभाव से बल मिले। आप और मैं सब इस सद्भाव में प्रतिष्ठित हो और इसका आरंभ आप और मैं यही श्री यमुना जी के किनारे से करेंगे। दो क्षणों के लिए श्री जी का नाम उच्चारण मेरे साथ में कर लीजिए। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी। फिर आपसे कहूं, इस समय विश्व को दवा से कहीं अधिक आवश्यकता दुआ की है, प्रार्थना की है, सद्भाव की है, शुभ संकल्प की है। आपका मेरा शुभ संकल्प कार्य करेगा और ये उपकार नहीं है, कर्तव्य है। जहां तक हो सके वहां तक ये संदेश पहुंचाइए, जहां तक हो सके खूब हरि का नाम जपा जाए, हरि नाम भजा जाए। नाम के प्रभाव से, नाम के प्रसाद से विश्व इस त्रासदी से मुक्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव के साथ आचार्य महाप्रभु की उपासना का मंगलाचरण यही है। एक बार राधा सजा सुनाई काजियों ने कि इसको कोड़े मारो, ये काफिर हो गया है। भरे बाजार में उनकी पीठ पर कोड़ा मारा जाता था, वो कहते थे एक कोड़ा और लगाओ, पर एक बार हरि नाम उच्चारण करो, एक बार श्री हरि कहो। आप प्रयास करना भाई, ये संदेश दूर तक पहुंचे, प्रार्थना करना। मैं आपको केवल भाव के आधार पर नहीं कहता हूं, संतों की वाणी है। जब जब विश्व का अमंगल हुआ है, नाम में निहित प्रभु के ऐश्वर्य माधुरी ने ही विश्व की रक्षा की है। आज आपको, मुझे, सबको कर्तव्य समझकर, दायित्व समझकर इसका पालन करना है। आप भी जपना है और किसी से भी जपाना है। श्री राधा श्री